में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पेट की चर्बी को हम किस तरह से कम करें, खासकर लटकते हुए पेट को हम किस तरह से बिल्कुल ठीक करें, बिल्कुल सही शेप में करें, और साथ ही साथ हम अपना वजन कैसे कम करें। तो एक बहुत ही अच्छा पाउडर बनाना बता रही हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच जीरा, बहुत कम इंग्रेडिएंट का हम यूज़ करेंगे जीरा। जीरा जब हम खाते हैं दोस्तों या जीरे का पाउडर लेते हैं तो उससे हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा फास्ट होता है। और साथ ही मैंने यहाँ लिया है 2 चम्मच अजवाइन। तो 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच अजवाइन। अजवाइन भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और साथ ही साथ दोस्तों हमारे शरीर में फैट जमा नहीं होने पाता है और हमें कॉन्स्टिपेशन या कई चीज़ों की शिकायत भी नहीं होती है अजवाइन खाने से। और 2 चम्मच मैंने लिया है सौंफ। जी हाँ दोस्तों, केवल 3 चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना है और ये तीनों चीज़ें पूरे समय हमारे किचन में होती हैं। 2 चम्मच अजवाइन, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच मैंने सौंफ लिया है। आप मोटी वाली या बारीक कोई सी भी सौंफ ले सकते हैं, सौंफ से भी हमारा हाजमा बहुत अच्छा रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको इन तीनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है, बिना तेल घी कुछ भी डाले हुए आप सिर्फ इसे सूखा सेक लें, क्योंकि अभी हमें इसे पीसना है, इसका फाइन पाउडर बनाना है। जब हम इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे तो ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे और हमें पीसने में आसानी होगी। बिल्कुल गैस की फ्लेम मैंने स्लो कर दी, धीमी आंच पर 5 मिनट तक के आप इसे इसी तरह से चलाते हुए सेक लें। ये देखें गैस की फ्लेम स्लो है, तेज़ आँच ना करें, कोई भी चीज़ें हमारी जलना नहीं चाहिए। तो बस धीमी आँच पर ही इसे मैं सेक रही हूँ। आप चाहें तो इस चूर्ण को ज़्यादा बनाकर भी रख सकते हैं या हर 10 दिन में एक बार आप इसे बना लें, ख़राब होने का कोई भी डर नहीं है। तो बढ़िया तीनों चीज़ें सिक रही हैं और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। तो बस जैसे ही तीनों चीज़ें ठंडी हो गई, मैंने यहाँ पर लिया है मिक्सर का जार और बस इसका फाइन पाउडर हम बनाएंगे और इसका कोई ख़राब होने का डर नहीं कि आप सोचें अरे हम ज़्यादा बनाएंगे तो ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अभी थोड़ा ये मोटा लग रहा है तो मैं एक बार इसे और पीसूंगी ताकि अच्छा फाइन पाउडर बन जाए और हमें पीने में आसानी हो। बड़े बड़े टुकड़े होंगे दोस्तों तो हो सकता हमें पीने में परेशानी हो, गले में थोड़ा सा अटके, इसलिए मैंने बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है। ये देखें बहुत ही इफ़ेक्टिव है दोस्तों, ये ना सोचें कि अरे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तीनों चीज़ें हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा रखती हैं और हमारे शरीर में बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखती हैं। तो ये जो दोस्तों पाउडर बन गया है उसमें अब आपको डालना है 1/4 टीस्पून सेंधा नमक। यदि आप नमक ज़्यादा नहीं खाते हैं तो और भी कम डालें, आप भी देख सकते हैं मैंने बिल्कुल 1/4 टीस्पून सेंधा नमक, 1/4 टीस्पून ही आपको लेना है यहाँ पर काला नमक। काले नमक से भी हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है और दोस्तों ये जो पाउडर है ये फैट को बर्न करने का काम करता है। आपको लग रहा होगा अरे, पर दोस्तों यकीन मानिए आप इसे सिर्फ 1 सप्ताह लेकर देखें, आप खुद देखेंगे आपके शरीर में 100% पॉजिटिव चेंजेस होंगे। पेट पे जमी हुई चर्बी, थाइज़ में जमी हुई चर्बी, सब कुछ बिल्कुल पिघल कर निकल जाएगी। तो बस इस पाउडर को सबसे पहले तो मैंने बना लिया है, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसे स्टोर करें ताकि हवा लगने ना पाए। तो ये देखिए मैंने डब्बे में भर लिया है। अब मैं आपको बता रही हूँ इसे लेना कैसे है, कितनी बार लेना है, कैसे लेना है। कोशिश करें सुबह के समय लें, हमेशा गर्म पानी में लें। आप देख रहे हैं मैंने भी पानी अच्छा तेज़ गर्म किया है क्योंकि बहुत तेज़ ठंड का मौसम है और वैसे भी पूरे समय गर्मी है, तब आप गुनगुना पानी लें, अभी तो ठंड है इसलिए अच्छा तेज़ गर्म पानी ही मैंने लिया है। और 1 गिलास गर्म पानी में आपको डालना है ये जो पाउडर है, अगर छोटी चम्मच से डाल रहे हैं तो 2 छोटी चम्मच और बड़ी चम्मच ले रहे हैं दोस्तों तो 1 बड़ी चम्मच इस पाउडर को आप डालें। हो सके तो सुबह उठते साथ खाली पेट लें, चाय से पहले लें, आप देखेंगे दोस्तों 1 सप्ताह के अंदर ही आपको रिज़ल्ट मिलने लगेगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मान लीजिए आप सुबह के समय नहीं ले पाते हैं, कहीं जल्दी में रहते हैं या कहीं जाना रहता है तो आप शाम के समय लें, परंतु खाना खाने के पहले लें। रात का खाने के पहले भी आप इसे ले सकते हैं, परंतु खाली पेट लें जब खाने का समय हो, उसके 1 घंटे पहले आप इसे लें।
तो जितना अच्छा हम इसे खाली पेट लेंगे दोस्तों, तो हमारा जो फैट है वो बर्न होगा, आपको भूख तो कम लगेगी ही दोस्तों। नहीं तो क्या होता है, कई बार हम जैसे पिज़्ज़ा खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर और ये सब चीज़ें भी आप बंद कर दें। एक्सरसाइज तो डेली करें और साथ ही फास्ट फूड, ऑयली फूड पर कंट्रोल करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।